दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M30s का फुल इन डेप्थ रिव्यू विद प्रोस एंड कॉन्स, या समझो मैं प्रोस एंड कॉन्स नहीं, हर सेक्शन पे हम डिटेल में बात करेंगे और मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। और डिवाइस मेरे पास एक्चुअली मैंने यूज़ किया है और ये रिव्यू होने वाला है एक महीने के बाद, यानी मुझे डिवाइस को यूज़ करते करते एक महीना हो चुका है और उसके बाद मैं रिव्यू दे रहा हूँ, यानी आफ्टर वन मंथ यूसेज के बाद मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30s का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और डिटेल रिव्यू है और अगर आप सीरियस हो इस डिवाइस को लेने के लिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट या ज़्यादा डिटेल में एक ही चीज़ में मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और करते हैं इसका इन डेप्थ रिव्यू। दोस्तों वीडियो हो चुकी है शुरू, और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं सैमसंग गैलेक्सी M30s के फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ, जो कि आता है 16 मेगापिक्सल के साथ में, F2 का लेंस है यहाँ पे। तो 16 मेगापिक्सल F2 का लेंस के इस फ्रंट कैमरा से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिवाइस है और मैं इसको वीडियो शूट करने के लिए कुछ अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसका रिव्यू भी हॉनेस्टी देने वाला हूँ। आप इस मेरे रिव्यू पे पूरा भरोसा करो, हॉनेस्टी यहाँ पे मैं एकदम रखने वाला हूँ। जो चीज़ नहीं पसंद आई मुझे वो यहाँ पे मैं साफ बोल रहा हूँ कि भाई नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, क्योंकि ये मैंने पर्सनल नीड के लिए लिया है डिवाइस, तो इसमें कोई बायस या कुछ ऐसा बायस्ड वीडियो नहीं होने वाली है और आप पूरा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो हम करने वाले इसका इन डेप्थ रिव्यू, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले से, जो कि आता है 6.4 इंचेस के सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ या डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, नो डाउट यहाँ पे सुपर एमोलेड बहुत ही बढ़िया विन है यहाँ पे, और सुपर एमोलेड स्क्रीन को यूज़ करने के बाद आप कभी भी IPS को देख भी नहीं पाओगे, यानी IPS को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालाँकि IPS भी उतना ही अच्छा है, लेकिन सुपर एमोलेड की बात कुछ और है, उसकी कलर क्वालिटी कुछ और है, और डिस्प्ले भी यहाँ पे पावर एफिशिएंट होता है, और AMOLED है तो OLED डिस्प्ले है, OLED टाइप का एक डिस्प्ले है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलर क्वालिटी, कलर प्रोडक्शन और बैटरी भी ये कम यूज़ करता है AMOLED, तो AMOLED बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, सुपर AMOLED सैमसंग की तरफ से आता है 6.4 इंचेस का, तो डिस्प्ले तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। प्रोसेसर की बात करें तो आता है एक्जीनोस का 9611, ये स्नैपड्रैगन के 710 और 712 से थोड़ा बेटर है 712 से, और 675 से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, और एक्जीनोस का ये जो 9611 है वो स्नैपड्रैगन के 710 और 712 और स्नैपड्रैगन 665 और 675 से बहुत बेटर है, और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको एक्जीनोस 9611 में ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफिकल कोर है वो यहाँ पे 3 है जो कि मेगाहर्ट्ज में चलते हैं कुछ, मैं यहाँ पे लगा दूँगा, मुझे अभी याद नहीं, चेक करना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छी जो प्रोसेसर है बहुत ही पावरफुल है, 8 कोर के साथ आता है, 2.3 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक रेट, 2.3 गीगाहर्ट्ज बहुत ज़्यादा होता है, और 2.3 गीगाहर्ट्ज तक ये जाता है वो भी बहुत ही बड़ी बात है, और बना है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, सैमसंग के 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, और 2.3 गीगाहर्ट्ज की मैक्स क्लॉक रेट, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही तगड़ा वाला प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट भी है, 10 नैनोमीटर पे भी बना है। यहाँ पे जो ये प्रोसेसर है फ़ोन के UI में कोई लैग नहीं आता, सब कुछ एकदम बढ़िया है, क्योंकि वन UI सैमसंग का बहुत ही अच्छा है, और वन UI की मैं ही नहीं बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा तो आप दूसरे की वीडियोज़ भी देख सकते हो, आपको पूरा हक है, तो आप टेस्ट कर सकते हो, दूसरे की वीडियोज़ भी देख सकते हो, सबकी देखो, क्योंकि एक्चुअली में सब देखते ही है, इवन मैं भी खुद देखता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्जीनोस 9611 है ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, कोई यहाँ पे लैग देखने को नहीं मिलता। अब बात करें यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ की, तो जो 6000 मिली एम्प आवर की बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मिली एम्प आवर बहुत ही ज़्यादा बैटरी 6000 मिली एम्प आवर की, और इतनी अच्छी है ये मैक्स टू मैक्स, मैंने इसमें जो बैटरी लाइफ यूज़ की है लाइट, एकदम लाइट टू लाइट यूसेज, एकदम ही लाइट यूसेज, या नो यूसेज की बात करो तो नो यूसेज ये आराम से 6 दिन की बैटरी लाइफ दे देता है, लाइट यूसेज 4 दिन आराम से आपको ये बैटरी बैकअप दे देता है 4 दिन का, एकदम लाइट यूसेज, नॉर्मल यूसेज 3 दिन की बैटरी,
और थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा अबव नॉर्मल यूसेज आपको 2 दिन की बैटरी मिल जाएगी, 2 से 2.5 दिन की बैटरी मिल जाएगी। अगर आप एकदम हाई एंड यूज़ करोगे, फुल डे यूज़ करोगे, कंटिन्यू यूज़ करोगे, तो आपको 1 से 1.5 दिन की बैटरी मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन यूसेज पैटर्न्स। तो अगर आप एकदम ही हाई यूज़ करोगे तो 1.5 दिन की बैटरी या 1.5 डे की बैटरी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी इसी फ़ोन में, जो कि 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। और बैटरी लाइफ सच में बहुत ही कमाल की है, सच में ये एक मॉन्स्टर बैटरी है। तो 6000 mAh आपको कभी भी निराश नहीं करने वाला, बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पे, जो पहले मैं कैमरा के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जो यहाँ पे फ्रंट कैमरा है जिससे ये वीडियो बन रही है, और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ्रंट कैमरा से ही हो रही है। तो 16 मेगापिक्सल का आता है, F2 का यहाँ पे लेंस है। जो इसके रियर पैनल में यहाँ पे कैमरा है वो आता है यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप में। ये पहला जो सेंसर है वो यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ में आता है। इसका लेंस है F2.2 का। और उसके बाद जो सेकंड कैमरा है वो प्राइमरी कैमरा है, और ये आता है 48 मेगापिक्सल के F2 लेंस के साथ। और इसके जो थर्ड कैमरा सेटअप है वो आता है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का लाइव फोकस के लिए या डेप्थ सेंसर है, जिसका लेंस है F2.2 का। तो कैमरा की अगर हम बात करें तो कैमरा जो 48 मेगापिक्सल जितने भी मार्केट में है, इवन वन प्लस, वो एक्चुअली में सभी 12 मेगापिक्सल के कैमरा है। और यहाँ पे मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि जो 12 मेगापिक्सल है उनको ये लोग पिक्सल बिनिंग करते हैं, यानी 4 पिक्सल को एक मान के पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी के मदद से ये इसको 48 मेगापिक्सल कर देते हैं। हालांकि डे लाइट में 48 मेगापिक्सल अच्छा है, और 12 मेगापिक्सल भी उतना ही अच्छा है, बस जूम करने में थोड़ा 48 मेगापिक्सल ज़्यादा क्लियर होता है जूमिंग में, जबकि 12 मेगापिक्सल है वो उतना क्लियर जूम पे नहीं होगा। लेकिन जूम करके आखिरकार देखता है कौन है, आपकी लाइटिंग और कलर वो सब ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए विदाउट जूम में, कि देखने ही लगे हाँ बहुत ही अच्छा है। तो कैमरा को फोटो की क्वालिटी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो 12 क्योंकि अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। इवन जो 12 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है बैक पैनल पे, जो रियर कैमरा सेटअप है उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये 16 मेगापिक्सल का सेंसर, क्योंकि जो 48 है वो तो एक्चुअल में 12 है, और ये 16 एक्चुअली में 16 मेगापिक्सल काउंट के साथ आता है। और दोनों में F2 का लेंस है, लेकिन फिर भी जो फ्रंट कैमरा है वो इतना ग्लो और इतनी अच्छी लाइट की ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने बहुत ही अच्छा कमाल कर दिया, कि जो फ्रंट कैमरा से ये जो मैं वीडियो बना रखा हूँ इसकी जो लाइटिंग की ऑप्टिमाइजेशन है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लाइट कहीं पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी ओवर एक्सपोज कुछ नहीं हो रहा, या कलर ज़्यादा सैचुरेट नहीं हो रहे, एकदम बैलेंस है, ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं हो रही, सब कुछ कंट्रोल में है। तो फ्रंट कैमरा ऑप्टिमाइजेशन एकदम बहुत ही अच्छी लेवल की है। रियर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए अच्छी है, वीडियोज़ के लिए अच्छी लो लाइटिंग कंडीशन में ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप डे लाइट की बात करो तो बहुत ही अच्छी है। तो तीनों कैमरा अच्छे हैं, आप लाइव फोकस भी कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड ये बहुत वाइड जाता है। तो इसका मैं कैमरा में यहाँ पे हम एक, हाँ इससे याद आया कि मैं यहाँ पे डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैमरा के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते कैमरा के बारे में बात करके। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है, कैमरा अच्छे है, बहुत अच्छे है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे और लगेगी। फ्रंट कैमरा तो भाई सच में मैं बोल सकता हूँ फ्रंट कैमरा बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है। फ्रंट कैमरा से मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मैंने रियर कैमरा से किया था। तो अब से मैं वीडियोस बनाने के लिए हमेशा फ्रंट कैमरा का ही यूज़ कर लेने वाला हूँ। तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे बहुत अच्छा है, रियर कैमरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन लो लाइटिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। इसमें नाइट मोड फीचर भी आता है, जो कि नाइट में सच में जादू कर देता है, जादू वाली बात है। हालांकि अगर आप विदाउट नाइट मोड भी फ़ोटोज़ लोगे तो उसमें लाइटिंग और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप नाइट मोड के साथ फ़ोटो क्लिक करोगे तो वो चमत्कार हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रात है ही नहीं, या बहुत ही पार्टी चल रही है और बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है, जबकि एक्चुअली में लाइटिंग है ही नहीं। मैंने जो फ़ोटो आप देख सकते हो स्क्रीन में, उसमें बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है, मतलब एक्चुअली में इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि मतलब एक कैमरा
उतना डिटेलिंग नहीं कैप्चर कर पाएगा, लेकिन ये जो नाइट मोड वाला फीचर है, विदाउट नाइट मोड भी ये बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर लेता है और लाइट आपको दे देता है, लेकिन विद नाइट मोड ये बहुत ही ज़्यादा कमाल कर देता है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि नाइट मोड यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो भी है और सुपर स्लो मोशन वीडियो का भी सपोर्ट है। स्लो मोशन यानी नॉर्मल स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन यानी बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन, जो कि 240 FPS पे जाएगा शायद सुपर स्लो मोशन, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन भाई बहुत ही कमाल का है। सुपर स्लो मोशन और स्लो मोशन ये दोनों ही बहुत ही अच्छे के कमाल के हैं। और यहाँ पे आपको AR इमोजी वाला भी फीचर मिल जाता है, तो यानी आप AR के साथ आराम से खेल सकते हैं, अपने फेस पे किसी और का एक कार्टून इमोजी फेस लगा के आप उसको एक्ट करवा सकते हैं, या उसके तरह, या जो आप करोगे वो वही करेगा, बस जो आपका फेस की जगह उसका फेस आएगा उस इमोजी का। कैमरा क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है, हालांकि लो लाइटिंग में रियर कैमरा यहाँ पे सिर्फ वीडियो में ऑप्टिमाइजेशन लगेगी, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक मैजिक वाला बताऊँ तो इसमें मैजिक ये है कि HDR ऑन कर दो, HDR इफ़ेक्ट ऑन कर दो, क्योंकि HDR फ़ोटोज़ में जान डाल देता है। मैंने विदाउट HDR भी फ़ोटोज़ क्लिक की और विद HDR, तो मैंने ये नोटिस किया कि विदाउट HDR तो फ़ोटो एकदम, मतलब क्योंकि लाइट उतनी कंट्रोल में नहीं होगी HDR ऑफ के साथ में, अगर कहीं से ज़्यादा लाइटिंग आ रही है तो वो एरिया ओवर एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन अगर आप HDR को ऑन कर दोगे तो आपके फ़ोटोज़ में जादू हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपने DSLR से क्लिक की है और बहुत ही आपने प्रोफेशनल वे में यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की है। तो HDR मोड को ऑन कर दो, एक प्रो टिप है, HDR मोड को ऑन कर दो, फिर अपनी हर फोटो को देखो कितनी मस्त क्लिक होती है। इसमें आपको कोई भी गिम्बल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये अगर आप सुपर स्टडी मोड के साथ आता है, अगर आप सुपर स्टडी ऑन ना भी करो तो भी ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वीडियोस कैप्चर करता है, क्योंकि सुपर स्टडी से पहले सेटिंग्स में, वीडियो सेटिंग्स में आपको एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है वीडियो स्टेबलाइजेशन। उसको ऑन कर लो और फिर वीडियो शूट करो और फिर देखो क्या मज़ा आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे स्टेबल वीडियोस क्लिक कर रहे हो और आपने एक अच्छा DJI का गिम्बल यूज़ कर रखा है, ऐसी वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इतना स्टेबल होने वाला है कि आप सच में नहीं सोच पाओगे, कि आपको लगेगा कि आप प्रोफेशनल कोई फिल्म बना रहे हो और प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो विदाउट गिम्बल, लेकिन एकदम स्मूथ गिम्बल जैसा ही आपकी वीडियोस बनने वाली है। तो इसलिए वीडियो स्टेबलाइजेशन एक बहुत ही बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन फीचर है सैमसंग का, और मैं मानूँ तो आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन तो रखना ही चाहिए। अल्ट्रा स्लो मोशन नॉर्मल लाइटिंग सिचुएशन के लिए नहीं है, लो लाइटिंग के लिए आप अल्ट्रा स्लो मोशन सुपर स्टडी यूज़ मत करो, क्योंकि सुपर स्टडी को यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग चाहिए स्टेबलाइजेशन के लिए, जो कि अगर आप बाहर डे लाइट में शूट करोगे, एक रियल लाइफ सिनेरियो में या डे लाइटिंग में शूट करोगे एक सुपर स्टडी ऑन रख के, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। अगर आप लो लाइट में शूट करोगे तो वीडियो रफ़ हो जाती है और वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको सुपर स्टडी भी चाहिए और 4K भी चाहिए और आपको अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, तो बाहर एकदम नेचुरल लाइटिंग में आप शूट करो, एकदम जब सूरज एकदम सन एकदम सही लाइट दे रहा हो तब शूट करो वीडियोस, तो बहुत ही स्टेबल आएगी कि आप सच में बोलोगे भाई क्या फ़ोन है, 14,000 का फ़ोन और क्या स्टेबलाइजेशन ये ऑफ़र कर रहा है। तो कैमरा यहाँ पे अच्छा है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट चाहिए यहाँ पे रियर कैमरा में वीडियोस के लिए, और अगर फ़ोटोज़ में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर दे तो यहाँ पे ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। और बात करें अब पबजी परफॉर्मेंस की या गेमिंग टेस्ट की, तो भाई मैं पबजी नहीं खेलता ना मैं मोबाइल गेमिंग करता हूँ, मैं PC गेमिंग करता हूँ, CS:GO, और CS:GO ही हमारा एक गेम है जो मैं खेलता हूँ, CS:GO बेस्ट है, पबजी आई डोंट लाइक पबजी। तो अगर इसलिए अगर आपको पबजी चाहिए तो मैं रेकमेंड करूँगा जो गीकी रंजीत सर है, आप उनका वीडियो देखो M30S का गेमिंग परफॉर्मेंस, उन्होंने यहाँ पे एसफॉल्ट 9 या 8 टेस्ट किया है और पबजी मोबाइल भी टेस्ट किया है, और पबजी मोबाइल इस फ़ोन में HDR में चल जाता है और वो भी HDR प्लस अल्ट्रा क्वालिटी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वालिटी, ग्राफिकल क्वालिटी तो धमाकेदार होने वाली है, प्लस जो FPS है वो भी बहुत स्मूथ रहता है इस फ़ोन में। आप गीकी रंजीत सर का वीडियो देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उन्होंने गेमिंग टेस्ट किया है और
बहुत ही, उन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पे बहुत ही स्मूथ FPS आ रहा है। चाहे तो आप किसी और की भी वीडियो देख सकते हो, किसी की भी देख लो, सबकी देख लो, लेकिन इस फ़ोन में PUBG एकदम स्मूथ चलने वाला है। बात करूँ वन UI की, रैम मैनेजमेंट की, और अमेज़ॉन में बहुत लोगों ने, मैंने देखा रिव्यू में ये लिखा है कि रैम यहाँ पे, हालांकि डिवाइस में 4GB रैम है, यहाँ पे जो रैम, जो एकदम अवेलेबल रैम है वो यहाँ पे 800 MB से 1 GB के आसपास घूमती रहती है। मैंने खुद टेस्ट किया है और मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 GB तक फ्री रैम मिल जाएगी, जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि असली में ये क्या है, ये चीज़ क्या है, तो मैं, अगर ये वीडियो बहुत ही 21 मिनट का हो चुका है और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो जल्दी जल्दी बात करते हैं। यहाँ पे जो Redmi 4 था मेरा, उसमें उसमें आपको 3GB वाला मॉडल था मेरा Redmi 4, उसमें भी मुझे 1.5 GB की फ्री मेमोरी मिल जाती थी, और जो Samsung M30s है वो 4GB का होके भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1 GB की रैम यूसेज, फ्री अवेलेबल रैम दे रहा है, और यूसेज यानी पूरी 3GB तक जारी है, और फ्री सिर्फ 1GB या कभी कभी उससे कम 800 MB। तो ये क्या है, तो अगर मैं बताऊँ, रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन का बढ़िया है, और वीडियो देख लो आप Realme 5 Pro Samsung M30s कंपैरिजन, आपको ये पता लग जाएगा कि Samsung M30s का रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। Samsung M30s की रैम मैनेजमेंट इतनी कमाल की है कि Xiaomi, Realme इन सबको बीट कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में ये Xiaomi, ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स है और इनके चाइनीज़ UI है, तो ये जो चाइनीज़ फ़ोन्स होते हैं ये रैम को बैकग्राउंड में फ्री करते रहते हैं हर कुछ इंटरवल के बाद, जैसे हर 30 मिनट में, 15 मिनट्स में, 1 आवर में ये लोग रैम को फ्री करते रहते हैं, ताकि जो भी यूज़र है वो ये ना सोचे कि हमारे डिवाइस में रैम बहुत कम मिल रही है, तो इसलिए ये क्लियर करते रहते हैं, जिसके मदद से आपका फ़ोन ऑलवेज़ बिज़ी रहने वाला, आपका जो प्रोसेसर है वो ऑलवेज़ बिज़ी रहेगा, UI बिज़ी रहेगा, कि जो डेटा बार बार क्लियर किए जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज को रोकी जा रही है उनको वापस एनेबल करें, और ताकि वापस चले, और इसके वजह से आपका जो फ़ोन है वो लैग होगा। मैं चाइनीज़ ब्रांड्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनका जो स्टार्टअप टाइम है वो, हालांकि ये लोग ऑप्टिमाइज़ करके कुछ ना कुछ ये लोग कांड करते हैं चाइनीज़ ब्रांड वाले, MIUI ऑक्सीजन OS का नाम ले रहा हूँ मैं, MIUI हो गया, कलर OS हो गया, तो ये सब बहुत ही इनका काम है चाइनीज़ ब्रांड्स का, कि बस रैम को क्लियर करते रहो, सर्विसेज बंद करते रहो, जितनी हो सके उतनी रैम खाली करते रहो, लेकिन सैमसंग का UI ऐसा नहीं है। रैम मैनेजमेंट, मैं बोलूँ रैम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही कमाल की है, जो हालांकि आपको फ्री रैम 800 MB की मिल जाती है, लेकिन जो यहाँ पे सैमसंग इन सर्विसेज को किल नहीं करता, रोकता नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो सब बैकग्राउंड में चलती है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सैमसंग खुद उसको बंद कर देगा, या तो फिर जब डिवाइस फ्रेश आया था तो मैंने ये देखा था कि जो डिवाइस मैनेजर है इस फ़ोन में सेटिंग्स में, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसमें लिखा था कि वो ऐप्स को स्लीप में डाल देगा, या जो रैम है वो ऑटोमेटिकली क्लियर करते रहेगा, ऑटो क्लियर रैम और ऑटो डिजेबल ऐप्स दैट यू हैव नॉट यूज फॉर 3 डेज, ऐसा करके कुछ है, तो वो ऑप्शन भी है, बहुत ऑप्शन है, सैमसंग ने सबको एनेबल कर रखे है, हालांकि सैमसंग को भी कॉम्पीट तो करना ही है, तो इसलिए अगर वो ऑप्शन आप डिसेबल करो तब जाके आपको 800 MB तक का फ्री मेमोरी मिलेगा, अगर एनेबल रखोगे तो आपका डिवाइस डेली ऑप्टिमाइज होगा, डेली तो आपकी रैम भी फ्री होती रहेगी और जो फालतू फाइल्स है वो भी क्लियर होती रहेगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा डिसेबल कर दो, ताकि उसके ये जो बार बार क्लियर होगा तो फ़ोन कभी फास्ट नहीं होने वाला। बाकी रैम मैनेजमेंट और वन UI तो इसका बहुत ही अच्छा है, वन UI यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और बहुत ही एक अच्छा यूज़र इंटरफेस है, फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, और यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ही कमाल का है और ऑप्टिमाइजेशन है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। तो और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके स्पीकर क्वालिटी की, तो यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा लाउड है और जो रिसीवर क्वालिटी है वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी है। यहाँ पे जो चार्जिंग है वो USB टाइप सी के ज़रिए है, फास्ट चार्जिंग है 15W का, बहुत लोगों ने बहुत रिव्यू में मैंने खुद सुना, रिव्यू में देखा कि ये 2.5 घंटे ले लेता है, लेकिन एक्चुअली में 2.5 घंटे नहीं लेता, ये डिपेंड करेगा आपके घर की वायरिंग की क्वालिटी पे और आपके जो सॉकेट है, जो प्लग जिसमें आप चार्जर लगा रहे हो, वो उसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और वो उतना करंट
पीछे से ही पुल नहीं कर पा रहा, तो आपके डिवाइस में कैसे ये नया के ये कैसे उसी फास्ट चार्जिंग लेवल का करंट पुश करेगा जब उसको चार्जर को ही इतना करंट नहीं मिल रहा सॉकेट के ज़रिए, तो ये डिवाइस को क्या देगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर में जो सॉकेट सबसे ज़्यादा जल्दी चार्ज करता है, जिसमें ज़्यादा अच्छा करंट फ्लो है, उसमें आप अपने डिवाइस को चार्ज करो तो 2 घंटे में आराम से चार्ज हो जाता है। स्पीकर माइक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, माइक क्वालिटी इसकी बेस्ट है, एकदम अच्छे क्वालिटी का आपको आवाज़ रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है वीडियोज़ में और कॉल क्वालिटी में भी। एक और इशू जो मैंने फेस किया यहाँ पे वो है नेटवर्क का, क्योंकि मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ और जियो के सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ही नहीं बहुत अमेज़ॉन पर रिव्यू है कि जो लोगों को नेटवर्क इशू मिल रहे हैं, एक्चुअली में इसमें नेटवर्क इशूज़ है। और मैं भी इवन ये मानता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये इम्प्रूव हो सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए, नेटवर्क क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है जो मोबाइल डेटा है वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है कभी कभी। ऐसा नहीं कि कभी भी मोबाइल डेटा चलता ही नहीं, आप ऑन करो और कभी भी ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं है। हॉटस्पॉट इसका बहुत स्लो है, ये मैंने देखा है, हॉटस्पॉट ये बहुत स्लो चलता है, हालांकि क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि इसका जियो के साथ नेटवर्क कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी ये बहुत टाइम ले लेता है, और अगर हॉटस्पॉट चालू करो तो दूसरे डिवाइस में तो कभी कभी चलता ही नहीं नेट जब, और आपको फ़ोन की लोकेशन चेंज करनी पड़ती है तब जाके चलेगा, कभी कभी तो मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो नेटवर्क क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव करना यहाँ पर ज़रूरी है। हाँ, और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, मैंने बहुत वीडियो रिव्यू में देखा कि लोग बोल रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो है या फिंगरप्रिंट सेंसर उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन मेरे डिवाइस में मैंने ये नोटिस किया कि फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही फास्ट है, शाओमी रियलमी जो भी फ़ोन है उतना ही जितना फास्ट है, प्लस सैमसंग एडिशनल सिक्योरिटी रखता है कि ऐसा नहीं कि हाथ रखा और एकदम अनलॉक हो गया, सैमसंग के फ़ोन में सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है और अच्छे क्वालिटी की भी होती है, तो ऐसा नहीं कि हाथ रखा आपने फिंगरप्रिंट सेंसर ने जो भी है मैच हुआ नहीं हुआ अनलॉक कर दिया, ऐसा नहीं होता। सैमसंग थोड़े यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स भी लेता है तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन ओवरऑल ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्ट है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, मन में अगर अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर फॉलो करो और मुझे सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना वहाँ पर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो इसलिए फॉलो वहाँ पर भी कर लो, और शेयर करो इस वीडियो को जिनको नया फ़ोन लेना है या जो M30s लेने की सोच रहे। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है मेरे तरफ से, यानी टेक्निकल गाइड की तरफ से देखनी है इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस, तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।